हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल अमित मोटो व्लॉग्स के अंदर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज अपन आए हैं सिक्कर के हीरो शोरूम के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज हीरो का ऐसा स्कूटर दिखाने वाला हूँ जो कि होंडा एक्टिवा को सीधा टक्कर देने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज अपन रिव्यू करने वाले हैं इस स्कूटी का। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको मतलब ये कलर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हीरो की डेस्टिनी 125X टैग। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्कूटर है इस मतलब इस सेगमेंट के अंदर। काफ़ी अच्छा 125 के अंदर देखने को मिल जाएगा ये आपको। तो दोस्तों इसकी सबसे पहले फीचर्स की बात करें तो मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट। हेडलाइट देख रहे हैं आप सामने, पूरी एलईडी सेटअप के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको डेस्टिनी का यहाँ पे नेम भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों, मतलब बेजिंग देखने को मिल जाएगी दोस्तों। साथ ही आपको यहाँ पे 3D में लोगो दिया गया है, वो भी क्रोम फिनिशिंग के साथ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी दोस्तों हेडलाइट के पास भी आपको क्रोम फिनिशिंग दिया गया है दोस्तों। और आगे बात करें तो यहाँ भी आप क्रोम फिनिशिंग दिया गया है इंडिकेटर्स की तरफ में। काफ़ी मतलब आगे से देखें तो काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है इसका। बाकी 10 इंचेस के आपको इसमें टायर देखने को मिलेंगे फ्रंट में और रियर में। आपको दोनों में आपको 10 इंचेस के इसमें टायर देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों बात करें सीट बैक रेस्ट, मतलब सीट बैक रेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों इस तरफ में आपको। साथ ही दोस्तों आपको अगर फ्यूल का देखें तो फ्यूल में आपको इधर इस साइड में आपको फ्यूल का देखने को मिल जाएगा, जो कि हीरो का बेजिंग के साथ देखने को मिलेगा। आगे फीचर्स की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आपको 5 लीटर मतलब 5 लीटर की आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। बाकी दोस्तों BS6 रहने वाली है, FI का इसमें देखो यहाँ पे बेजिंग मिल जाएगी आपको। FI मतलब फ्यूल इंजेक्टेड आपको इसमें देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आगे फीचर्स की बात करें तो दोस्तों इसमें आप मीटर देख पा रहे होंगे, इसमें आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों मीटर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाकी देखो दोस्तों इसके अंदर आपको इस साइड में साइड मतलब एक मिनट रुको, यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ का मतलब लाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे I3S की लाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको फ्यूल का मतलब फ्यूल की इंडिकेटर का आपको आइकन देखने को मिल जाएगा। इस तरफ हाई बीम लो बीम का आपको आइकन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको ट्रिप मीटर जैसे ऑडोमीटर जैसे आपको कई फीचर्स देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। बाकी यहाँ पे एनालॉग मीटर मिलने वाला है आपको स्पीडोमीटर का। देखो यहाँ से आप मतलब 40 से 60 के बीच में अगर चलाते हो, ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा होगा जैसे कि, तो आपको काफ़ी अच्छा एवरेज देखने को मिल जाएगा। हीरो कंपनी इसका एवरेज बताती है कि इसके अंदर आपको 60 से 65 KMPL तक का माइलेज देखने को मिलेगा। बाकी देखो दोस्तों आप अगर रेसिंग वगैरह करोगे तो आपको वही माइलेज देखने को मिलेगा, बार बार आप पेट्रोल पम्प पर जाओगे और पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। बाकी आप इकोनॉमी जोन में चलाओ, काफ़ी अच्छा एवरेज देखने को मिलेगा इस स्कूटर का। देखो दोस्तों इसके अंदर 3 कलर हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यह आपको ब्लैक कलर देखने को मिल जाएगा, यह आपको शाइनिंग के अंदर ब्लू कलर देखने को मिलेगा, इधर आपको रेड कलर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो आप कोई सा भी जैसा आपको अगर कलर ठीक लगे वैसा आप कलर ले सकते हो दोस्तों। बाकी दोस्तों ये दो वेरिएंट सेम वेरिएंट देखने को मिलेंगे, ये आपको थोड़ा अलग वेरिएंट देखने को मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसके कांच में थोड़ा डिफरेंस है। बाकी इसमें क्रोम फिनिशिंग दी गई है, उसमें आपको क्रोम फिनिशिंग नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। वो आपको शायद बेस मॉडल है और ये टॉप मॉडल है डेस्टिनी के। बाकी दोस्तों अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 125cc के 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SI इंजन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे हैंडल एंड बार्स देखने को मिलेंगे क्रोम फिनिशिंग के साथ। जी हाँ दोस्तों, दोनों तरफ ही आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ हैंडल एंड बार देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। बाकी बटन्स की बात कर ले तो आपको I3S का यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आपको सेल्फ का बटन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इस तरफ आपको हाई बीम लो बीम का बटन देखने को मिल जाएगा, इंडिकेटर्स का बटन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा हॉर्न का देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाकी आपको अदर फीचर्स की बात करें तो देखो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। और साथ ही दोस्तों बात करें तो इसके अंदर आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, जो कि इस तरफ आपको सीट मतलब नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। बाकी दोस्तों इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाएगा, इस तरफ भी आपको सामान रखना चाहो तो आप रख सकते हो दोस्तों। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगती है आपको, और इसके अंदर आपको कौन सा कलर बेस्ट लगा वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही मैंने आपको बताया कि विजिट करना हो अगर आपको शोरूम में, तो मैं एड्रेस दे दूंगा शोरूम का, सिक्कर के अंदर शोरूम है, आप विजिट कर सकते हो दोस्तों। और साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर से भी आप ट्राई कर सकते हो।